उत्तराखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रुड़की के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की हालत आज भी बदतर बनी हुई है। आलम यह है कि डॉक्टर तो बहुत दूर ट्रॉमा सेंटर में रखी करोड़ों की मशीनें आज भी कूड़े के ढेर में तब्दील है। हैरत की बात यह है कि पिछले 2 सालों से आई इन मशीनों पर जंग लगना शुरू हो गया है। मरीजों को हरिद्वार देहरादून के अलावा प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर लगाकर मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मरीजों की समस्या से पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। मैं जब भी यहाँ पर देखता हूँ, जो आसपास के गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आके डॉक्टरों को देखते हैं, डॉक्टर वक्त पे नहीं मिल पाते, उनकी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर फिजिशियन डॉक्टर न होने के कारण लोग इतने परेशान हैं। उन गरीबों के पास इतने भी पैसे नहीं है जो प्राइवेट में जाकर के वो 300 रुपए का पर्चा बनवा करके वो दिखा सके। सरकारी अस्पताल की जो हालत है वो बहुत बदतर है। यहाँ पर मरीजों को जो है ना बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तो डॉक्टर की कमी है, फिजिशियन यहाँ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने पद यहाँ पर सृजित कर गए थे उसके हिसाब से यहाँ पर आधे भी डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है। कहते तो इतनी है, यहाँ पे मरीज गेट के सामने पड़ के करकराते रहते हैं और सारी की सारी जो सुविधा है, जो स्क्रीन सीटी स्क्रीन है वो बिल्कुल इतनी कीमती मशीन है, वो जू की तू रखी हुई है, उसका कोई भी लाभ नहीं हो रहा है और मरीज चक्कर काट काट के परेशान हो गए। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा? ये अगर हम जो मरीज है जो करकरा रहे, ये अब रोडों पे उतरेंगे और इनके समर्थन में हम हर तरीके से इनके साथ हैं। हालांकि अस्पताल के कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि जल्द ही ट्रॉमा सेंटर में रखे सिटी स्कैन और डिजिटल कैमरे की मशीनों को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी कवायद जारी है। हमने 2-3 महीने से लगे हुए थे, मैं 3 महीने से, कि सिटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन चालू हो जाए। इसके लिए मंत्री जी का भी साफ निर्देश था कि जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए और हम लोग इस बार इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। हमको 2 टेक्नीशियन मिल गए हैं सीटी स्कैन के लिए भी और डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए भी, और विद इन ए वीक हम लोग इसको चालू करने जा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया डॉक्टर साहब, क्या वजह रही? मैंने तो मार्च में चार्ज लिया था, मैं तब से ही प्रयासरत हूँ इस मामले में कि कैसे भी वो बिल्डिंग भी सफाई वफाई हो जाए वहाँ पर और काम शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ा सा हमें डिले हुआ सफलता मिलने में, लेकिन इन द लास्ट हमको सफलता मिल गई है और इसमें मंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा और उनके प्रयासों से ही हम लोगों को इतना रहा कि हमको 2 टेक्नीशियन मिल गए हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम दोनों मशीनें चालू करने जा रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट कहाँ से आएगा? रेडियोलॉजिस्ट के लिए उन्होंने, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है और दूसरे की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने वादा कर लिया है और वो जल्दी ही हमें रेडियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, वरना हम हरिद्वार के रेडियोलॉजिस्ट से इसकी रिपोर्टिंग करवाएंगे। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट।